तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं अभी, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कैसे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो हमने आपको शुरू से ये चीज हम समझा रहे थे। मैंने कहा था कि जैसे कंपैरिजन करके अगर आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो आसानी से पढ़ जाओगे। जैसे हमने कहा साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। कैसे इंटीग्रेशन करोगे? आप सीधे सीधे आप न्यूमरेटर को एक्सपेंड कर दोगे, यानी कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये लगा दिया आपने। और ये लगाने के बाद में आपने यहाँ साइन एक्स से इसको डिवाइड कर दिया। जब आप इसे साइन एक्स से डिवाइड कर दोगे तो साइन एक्स से डिवाइड कर देने के बाद में ये हो जाएगा आपका कॉस ए, और ये हो जाएगा आपका, ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका साइन ए कॉट एक्स, साइन ए कॉट एक्स हो जाएगा, ये डीएक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कॉस ए हमारा कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? बस उस कॉन्स्टेंट के साथ में हम लोग एक्स लगा देते हैं, तो एक्स लगा दिए, सिंपल है। ये हो गया साइन ए, और कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो लॉग साइन एक्स होता है, तो हमने यहाँ पे ऐसे लगा दिए, कहानी खत्म हो गई। लेकिन मैंने आपसे बोला था कि अगर मान लीजिए यहीं पे मैं क्वेश्चन को इस तरह से ले लेता, मन सिर्फ उल्टा कर देता, ऐसे एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए कर देता, अगर यहाँ अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, तो देखो प्रॉब्लम इस बात की है कि अगर मैं इस डिनोमिनेटर को अगर मैं एक्सपेंड भी कर दूं तो उसे हम अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने इसको अलग अलग कर दिया था a प्लस बी के फॉर्म में, तो वैसा यहाँ नहीं कर सकते। अगर वैसा हमें यहाँ करना है तो इस x प्लस a को सिंगल सिंगल टर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिर्फ ट्रिक इतनी सी है कि जो डिनोमिनेटर में आपका एंगल लिखा हुआ है उसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लो बस, और कुछ नहीं करना है। तो जैसे ही आप इसे सिंगल टर्म में कन्वर्ट करोगे तो लेट एक्स प्लस ए इक्वल टू टी हो जाएगा। जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा वन प्लस जीरो इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखिए यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, अब यहाँ पे हमें एक्स की जरूरत पड़ेगी, तो एक्स की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? टी माइनस ए, ठीक है। देन पुट ऑल दीज वैल्यू इन द क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा साइन टी माइनस ए dt, ये हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका sin t। अब देखिए ये दोनों फॉर्म सेम हो गई, ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म। अब इसे हम आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं, तो एक्सपेंड करोगे तो sin a cos b माइनस cos a sin b अपॉन sin t से अलग अलग हमने डिवाइड कर दिया। ये बात समझ में आ गई आप लोग को? यहाँ आपको कोई डाउट हो तो बताइए। अब देखिए जब ये हो गया तो अब हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल वही तरीका है, पहले हम कट फिट कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा आई इक्वल टू कॉस ए माइनस कॉट टी साइन ए। अब इसे हम टी के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं क्योंकि डोमेन हमारा टी हो गया है, तो हो जाएगा टी कॉस ए, टी क्यों हो रहा है क्योंकि डी टी है, और ये हो जाएगा साइन ए हमारा कांस्टेंट है, कॉट टी का हमारा हो जाएगा लॉग साइन टी प्लस टी। तो यहाँ पे टी की वैल्यू डाल लेते हैं, टी की वैल्यू हमारी कितनी थी? एक्स प्लस ए थी टी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए और प्लस टी। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा एक्स कॉस ए प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। और हमने बताया था इंटीग्रेशन में जितने कांस्टेंट होते हैं उन्हें एक साथ कर दिया करो, तो ये वाला और ये वाला टर्म एक साथ आ जाएगा, और जब ये दोनों टर्म एक साथ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट सी बना दो इसको, ये हो जाएगा एक्स कॉस ए ठीक है माइनस साइन ए और लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस, ये आपका इंटीग्रेशन निकल के आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए,
वही रहेगी, ट्रिक को हमें चेंज नहीं करना है। ट्रिक क्या है कि जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है साइन, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिखा हुआ है, उसे हमें सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है। आप लोग साथ साथ में कीजिए इसे। क्या करोगे, यहाँ पे एक्स प्लस ए को आप टी ले लोगे, लेट एक्स प्लस ए इक्वल टू क्या ले लोगे आप, इसे टी ले लोगे आप लोग लीजिए, जरा कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा वन प्लस जीरो इक्वल टू डी टी वाई डी एक्स, ये आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहां से हम x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, x की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी t माइनस, तो अभी क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x की जगह पे t माइनस a हो जाएगा डिवाइडेड बाय साइन t dt हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन t माइनस 2a अपॉन साइन t dt। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन टी, ये हो जाएगा डी टी। अब मैं साइन टी कट कर दूंगा तो आ जाएगा आपका कॉस टू ए माइनस साइन टू ए कॉट टी, और ये हो जाएगा डी टी। तो यहाँ पे देखिए फिर से वही हो जाएगा टी कॉस टू ए माइनस साइन टू ए, और कॉस कॉट टी का हो जाएगा लॉग साइन टी प्लस टी। तो यहाँ पे हम टी की वैल्यू डाल लेते हैं, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, एक्स प्लस ए कॉस टू ए माइनस साइन टू ए लॉग साइन एक्स प्लस। अब आप कॉस टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स कॉस टू ए प्लस ए कॉस टू ए माइनस साइन टू ए लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। यहाँ पे देखिए आप ये वाला टर्म अगेन कांस्टेंट, दोनों को क्लब कर दो आप तो आई आ जाएगा आपका एक्स कॉस टू ए माइनस साइन टू ए लॉग साइन एक्स प्लस ए, इसे आप नोट कर लीजिए। ये समझ में आ गया आप लोग को, बिल्कुल वैसे ही आसान था। ट्रिक बस इतनी है कि नीचे जो डिनोमिनेटर में जो ट्रायंगल लिखा हुआ है उसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है। इसका एक मेथड और है, मैं वो भी डिस्कस कर देता हूँ, मोस्टली बुक में दिया रहता है तो आपको लगता है यार कि ऐसे भी कर सकते थे हम, तो वो भी आपको बता देते हैं कि वो मेथड क्या हो सकता है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए फटाफट, फिर मैं वो बताता हूँ। अब देखिए दूसरा मेथड क्या है, जरा मैं वो भी डिस्कस कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस ए है, ये डी एक्स मान लीजिए। तो हम करते क्या है कि जैसे जो आपका डिनोमिनेटर में जैसे एंगल बना हुआ है वैसा ही एंगल हम न्यूमरेटर में भी बना रहे हैं। तो वो कैसे बना सकते हैं हम, साइन इस एक्स में ए ऐड कर लेते हैं और ए को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें जब हम ये कर लेंगे तो यहां पे समझिए आप लोग कि इसमें जो साइन एक्स प्लस ए है इसको हमें एक साथ रखना है और ए को एक साथ रखना है अपॉन साइन एक्स प्लस ए, और यहां पे वही काम करेंगे साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी माइनस cos a sin b, और ये करने के बाद में sin x plus a से दोनों को डिवाइड कर देंगे, इसको भी और तो इसमें क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो i आ गया हमारा cos a minus sin a cot
एक्स प्लस ए, ये डीए। अब अगेन देखिए कॉस ए कॉन्स्टेंट है तो हो जाएगा एक्स कॉस ए, और यहाँ पे साइन ए हो जाएगा। अब देखिए ये कॉट के अंदर लीनियर फंक्शन लिखा हुआ है, तो हमने आपको बताया था जब लीनियर फंक्शन लिखा होता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो कॉट का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स प्लस ए, और एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव क्या होता है, वन प्लस जीरो प्लस सी, क्योंकि जब भी ये लीनियर फंक्शन आए उसका डेरिवेटिव भी नीचे में लिखना होता है। तो आ जाएगा एक्स कॉस ए माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। आपका एक मेथड ये भी है। समझ गए, कोई डाउट? इस मेथड में हमें करना क्या होता है कि जैसे नीचे एंगल दिया गया है वैसे ही हम ऊपर बना लेते हैं, यानी जो डिनोमिनेटर में दिया होता वही न्यूमरेटर में हम बना लेते हैं वैसा ही एंगल। ठीक है, सेम क्वेश्चन, सेम यही तरीका पहले वाले के लिए भी लगा सकते हैं। कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं सर। ओके, इस मेथड को भी आप नोट कर लीजिए। आप देखिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, ये क्वेश्चन है cos x प्लस ए और sin x प्लस बी। तो इसके भी दो मेथड है। एक मेथड हमने आपको क्या बताया था कि आप एक मेथड में लेट x प्लस बी को आप t ले लीजिए, तो आपका ये 1 प्लस 0 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया तो डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, अब यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए तो x की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ जाएगी, t माइनस बी, ये हो जाएगा cos t माइनस बी प्लस ए डिवाइडेड बाय sin t dt। तो इसे थोड़ा सही से लिख लेते हैं, cos t और प्लस a माइनस बी डिवाइडेड बाय sin t dt। अब फिर से वही तरीका है कि हमें यहाँ फॉर्मूला लगा दें, cos a cos b माइनस sin a sin b, और आप डिवाइड कर दीजिए sin t से, यहाँ भी आप sin t से डिवाइड कर दीजिए, और ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। sin t कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos t cos a माइनस b माइनस, ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी। अब जितने ए माइनस बी ए हैं ये सब तो कांस्टेंट ही है ना, ये कांस्टेंट है पूरा, ये कांस्टेंट है पूरा, तो इधर सिर्फ कॉट टी का करना है। तो कॉट टी का क्या हो जाएगा, ये कॉस ए माइनस बी कांस्टेंट, इसे तो बाहर निकालो, कॉट टी का हो जाएगा लॉग साइन टी, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा टी साइन ए माइनस बी, क्योंकि साइन ए माइनस बी कांस्टेंट था प्लस टी। अब आपको यहाँ पे वैल्यू डाल लेनी है तो हो जाएगा cos a माइनस बी log sin t की हमने वैल्यू डाल दी, t की वैल्यू है x प्लस बी माइनस x प्लस बी, और ये हो जाएगा sin a माइनस बी। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा cos a माइनस बी log sin x प्लस बी माइनस x sin a माइनस बी माइनस बी साइन एक्स ए माइनस बी प्लस, फिर ये कांस्टेंट को क्लब कर दीजिए आप तो आ जाएगा कॉस ए माइनस बी लॉग साइन एक्स प्लस बी माइनस एक्स साइन ए माइनस बी प्लस, ये आपका आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि जो डिनोमिनेटर में है वैसे ही हम न्यूमरेटर में बना रहे हैं। इसमें किसी कोई डाउट इस तरीके में? एक जो मेथड है बुक वाला मेथड वो भी देख लो, बुक वाला मेथड जैसे cos x plus a और sin x plus b, बुक वाले मेथड में हम क्या करते हैं कि बेसिकली जो हमारा डिनोमिनेटर का एंगल है वो न्यूमरेटर में बना लीजिए। जैसे cos है इस x में हमने b ऐड कर दिया और b को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसे कर लिया,
तो ये क्या हो जाएगा cos x प्लस बी, और यहाँ प्लस लगा के a माइनस बी कर लीजिए, और ये हो जाएगा sin x प्लस बी। तो ये हो जाएगा cos a sin b, cos a sin b प्लस सॉरी cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस बी। ये डीएक्स इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा कॉट एक्स प्लस बी कॉस ए माइनस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो कॉट ए कॉट का वही फॉर्मूला है लॉग साइन एक्स प्लस बी, और आपको पता है एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव वन होगा लिखने की जरूरत नहीं है, और ये कॉस ए माइनस बी और ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स साइन ए माइनस बी, सेम आंसर आएगा दोनों से। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे वो आप एक्सेप्ट कर लो, आने हमें दोनों चाहिए, जैसे कभी भी दिमाग में कोई भी ये नहीं आ रहा तो दूसरा आ गया है, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एक टाइप और है इनका, जैसे मान लीजिए यहाँ वन माइनस कॉस ए अपॉन कॉस एक्स और वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स, एक ये टाइप हो गया, और एक आपका ऐसे एक क्वेश्चन और है जैसे वन माइनस साइन एक्स कर लो, ये सेम साइन में कर लें अगर ये क्वेश्चन, देखिए इन क्वेश्चन में ये एक खासियत ये है कि जैसे यहाँ प्लस लगा हुआ है तो ऊपर माइनस लगा होगा, ठीक है। अगर जो है ऊपर अगर नीचे प्लस लगा है तो ऊपर माइनस 100% लगा होगा। तो हमें करना क्या होता है जरा ध्यान समझिए, जैसे नीचे 1 प्लस cos x है ना, ऊपर भी हमें 1 प्लस cos x को बनाना है, ऊपर भी 1 प्लस cos x बनाना है। तो देखो कैसे 1 प्लस cos x को बनाएंगे, सेम सेम कैसे करना है, इसे करेंगे 1 प्लस cos x कर दिए। जब इसे 1 प्लस cos x कर दोगे तो यहाँ पे हमें कितना माइनस करना पड़ेगा जिससे ऊपर वाला बन रहा है, और अब हम इसको ब्रैकेट में डाल देंगे और इसको हमने ऐसे लिख लिया, और अब आपको कुछ नहीं करना, दोनों पार्ट को एक ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट दोनों पार्ट को आपको अलग अलग कर देना है। तो जब आप अलग अलग कर दोगे वन प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स वन प्लस कॉस एक्स माइनस टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय cos x 1 plus cos x, तो क्या होगा ये इससे कट जाएगा, इधर ये इससे कट जाएगा, बस इसे काटने के लिए ही हमने ऐसा किया था। तो देखिए 1 upon cos x तो ये sec x हो जाएगा, और ये इधर 1 upon 1 plus cos x है, तो यहाँ पे आप क्या करो फॉर्मूला लगा दो 2 cos square x by 2 minus 1 dx, तो वन वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा sec x माइनस वन बाई टू sec स्क्वायर। सर मैं एक सेकंड दरवाजे पे कोई आ रहा है, मैं आ रही हूँ एक सेकंड। ठीक है ये टू रह गया तो टू भी लिख लीजिए आप, टू टू कट जाएगा। Yes. अब देखिए आप इतना कर, अब आप इन दोनों का इंटीग्रेशन आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम है, आपको पता है कि sec x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sec x plus tan x minus sec square x by 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x by 2,
लेकिन x by 2 का डेरिवेटिव भी हमें इसके नीचे लिखना पड़ेगा, तो आ जाएगा log sec x plus tan x minus 2 tan x by 2 plus, ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन आ जाएगा। हो गया है आसान। अब आप यही सेम काम आप इसे नोट कर लीजिए पहले, स्क्रॉल अप करना है क्या नोट करने के लिए? इस क्वेश्चन को जब आप करोगे, जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो ये क्या होगा, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और माइनस 2 साइन एक्स। जैसे आपने अलग अलग डिवाइड कर दिया होगा साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ पे भी एक चीज आपको आज मिल जाएगी, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हमेशा यहाँ पे लोग आके फंस जाते हैं, सोचते करें क्या, इससे कट गया इससे कट गया, 1 अपॉन sin x को cos x हो जाएगा, इसका तो आपको इंटीग्रेशन पता है। लेकिन फंस हम यहाँ जाते हैं जब 2 अपॉन 1 प्लस sin x आ जाता है, तो हम कहने लग जाते हैं या सर इस cos x / 2 sin x / 2 होल स्क्वायर बन रहा है नीचे। आप ना बना के इस sin x को आप cos x में बदल लो, क्योंकि 1 को हटाना है। पहली बात तो इस cos x दीजिए क्या होगा, log cos x minus cot x, इसको हटाओ, minus को बाहर निकाल लो आप, 1 upon 1 plus sin x है, sin x को आप लिख लीजिए cos, cos cos 90 minus theta क्या होता है, sin theta होता है, तो cos pi by 2 minus x dx लिख लेंगे आप। हाँ जी, sin हमारा cos में बदल गया। अब आप क्या करोगे, अब आपको 1 को हटाने का बहुत अच्छा तरीका मालूम है कि हाफ एंगल आप लगा दोगे तो 1 हट जाएगा, तो 1 प्लस cot x का जब आप हाफ एंगल लगाते हो तो क्या निकल के आता है, ये आता है 2 cos स्क्वायर थीटा by 2, तो थीटा हमारा क्या है पाई by 2 माइनस x है डिवाइडेड by 2, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट, यहाँ पे हमने हाफ एंगल लगा दिया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा log cosec x minus cot x minus sec स्क्वायर, ये cos ऊपर चला जाएगा sec स्क्वायर हो जाएगा 2, ये डिवाइड कर दिए तो हो जाएगा pi by 4 minus x by 2 dx, ये आ जाएगा log cosec x माइनस कॉट एक्स, और सेक का जो इंटीग्रेशन होता है वो टेन होता है, तो हो जाएगा टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, और इसका अंदर वाले को जब हम डेरिवेट करोगे तो माइनस वन बाई टू होगा, प्लस कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, ये आंसर आ जाएगा।